हाय नमस्ते नमस्ते। अरे वाह सास खोड़िया गुड गुड भाई सीख गए लोग हिंदी हैं। और देखो ब्यूटीफुल व्यू के साथ में मॉर्निंग हुई है हमारी, बट मैं नहाया नहीं हूँ, लक्की तो नहा चुका है। देखो भाई ये नज़ारे हैं यहाँ के, सुबह सुबह घाट पे लोग बस पूजा भी कर रहे होंगे, देखो वो देखो पूजा भी कर रहे हैं और पिंडदान पिंडदान मतलब बहुत सी जो चीज़ें हैं ना, बहुत सी एक्टिविटी होती रहती है, देखो उधर कर रहे हैं। और फटाफट यहाँ से निकलते हैं भाई, आँखों में चश्मा इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि आँखों में नींद भरी हुई है अभी, समझ रहे हो, और मास्क इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि वहाँ पर रेत बहुत है, डस्ट बहुत है। तो अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं और क्या आज का कंटेंट मिलता है खास शूट करने के लिए। और कुछ ऐसा दिखता है, देखो ये होटल है, पीछे देखोगे बहुत ही खूबसूरत सनराइज होने वाला है जस्ट अभी। कुछ लोग खरीदने के लिए आते हैं तो कुछ लोग देखने के लिए आते हैं और कुछ लोग बेचने के लिए आते हैं। और ये तो मॉर्निंग है इसलिए यहाँ पे भीड़ नहीं है, नहीं तो बहुत भीड़ रहेगी। देखो आरजे 14 17 जी गुजरात बिहार यूपी, हमने भाई महाराष्ट्र मतलब सब जगह की गाड़ी देखी है हमें। और भाई यहाँ पे बनी हुई है सैंड आर्ट, देखो नेशनल सैंड आर्ट पार्क तरीके से कुछ बनाया, ये देखो ये बना हुआ है ऊंट भाई, पूरी मिट्टी की कलाकृति है, बैठने के लिए भी है। और यहाँ देखो इनका इंस्टा भी लिखा हुआ है, यूट्यूब भी है, पुष्कर फेयर 2023, देखो ना कितना खूबसूरत है। तो आज मैं आपको ओवरऑल जो मेला है उसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें स्टेबल की हुई हैं, तो उस टाइप का आज का जो प्रोग्राम है वो है बनाने का। देखो भाई इतना बड़ा है जो मेले का है वो, और अभी तो हम कुछ हिस्से में ही आए हैं। आज सुबह सुबह हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना बाइक से घूमा जाए। और ये देखो घोड़ों का जो लगा हुआ है ना वो यहाँ लगा हुआ है, और एक भाई घोड़ा हम लोग कल देख के गए थे, ये सामने जो है ना पर्वत ये वाला घोड़ा दिखाऊंगा भाई अंदर चल के, अभी देखना इतना जबरदस्त घोड़ा है, क्या उसकी हाइट है, माय गॉड मैंने पहले कभी ऐसा घोड़ा देखा नहीं मेरी लाइफ में, खुला नहीं है अभी, इसको बंद किया हुआ है, इसके अंदर पैक है वो, जो मेन रोड है ना उसके दोनों साइड में, और कभी किसी का है सन्नी बुक्स और ये लोग या तो खरीद लाए हैं या बेच दी इन्होंने, कुछ इधर की साइड में है तो बड़ा है, जहाँ तक दिखेगा ना आपको वहाँ तक सिर्फ आपको टेंट तंबू ही दिखेंगे भाई। देखो वहाँ पे ये लोग है ना जा रहे हैं, मतलब अभी सुबह सुबह उठ के आए हैं ना घर से, तो अभी ये लोग अपना मजदूरी करने के लिए निकल रहे हैं। देखो मस्त ऊँट भगा रहे हैं भाई, देखो सामने बच्चा, और वो है ना साथ में है ना चारा भी लेके आया है भाई, इतने एक्सपर्ट होते हैं ये लड़के, मुश्किल से मान के चलो 10-11 साल के होंगे, 10-12 साल के, बट कितने एक्सपर्ट लोग हैं। और सामने आपको देखो वो रोप वे दिखेगा वहाँ पे, वो जो ट्रॉली है ना वो खड़ी हुई है, ये सुबह सुबह बनवाई है चाय। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू जी कहता जी। ये मेला आप कब से देख रहे हो? ये मेला भाई साहब मैं तो देख रहा हूँ, आज मेरे को 50 साल की उम्र होगी, मैं 18 साल से देख रहा हूँ। से देख रहे हो? 3 साल से नहीं भराना है, इसलिए तेजी है आपके घोड़े में ऊँटे में बहुत तेजी है भैया, 2-2 करोड़ का घोड़ा आया हुआ है। अच्छा। हाँ जी 2-2.5 करोड़ जैसा माल है जैसा पैसा है, और बढ़िया विदेश में जाते हैं। देखो भाई हम अंकल जी के यहाँ चाय पी रहे हैं, ये यहीं के ही हैं, और हम जिस एरिया में खड़े ना सबसे ऊंचा टापू है यहाँ का, यहाँ से ओवरऑल जो मेला है ना आगे आगे की साइड में नहीं है मेला, जो जिसको ग्राउंड कहते हैं मैन जो ग्राउंड है वो यही है, और मेरे सामने ऊँटों का पूरा वो लगा हुआ है सामने, छोटे 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 जो तंबू लगे हुए हैं ना इनमें सब में जानवर हैं। बुढ़िया ठीक है, अभी चाय पीते हैं हम लोग सुबह सुबह। आप बेचने आए हो? हाँ जी। ये लोग भी आए हुए हैं बेचने के लिए, कहाँ से आए हो? लालसोट से, दौसा से। हाँ जी हम भी दौसा के हैं। अच्छा मैं सवाई माधोपुर से आया हूँ। भाई की दोस्ती हो गई। यहाँ पे बैठो भाई, सब चाय वाय पीपा के हो चुके हैं रेडी, सुबह सुबह भाई बड़ी मस्त एकदम मज़ा आ गया चाय पी के। और यहाँ पे काफ़ी ठंड भी होती है, क्यों आपको पता है कि रेत रात को ठंडी हो जाती है और दिन में हो जाती है गर्म, इसीलिए मैं साथ में ना चश्मा लेके आया हूँ ताकि आँखों में चुभन ना हो। भाई मस्त एकदम एक नंबर वाइब आ रही है, जगह जगह के लोग आते हैं यहाँ पे। और एक ख़ास चीज़ जो कि अजमेर जिला प्रशासन ने बहुत सही कर रखी है कि हर जगह इस तरीके के टैंक बनाए हुए हैं पानी के लिए, हौद, ताकि जानवरों को आप बढ़िया पानी पिला दो। अभी हम लोग हो चुके हैं पैदल, अभी आगे चलते हैं, आगे ऊँटों का पूरा
काफिला है, आपको वो दिखाते हैं। देखो इस तरीके से बनाया हुआ है जो घोड़ों का है ना, और भाई इसके दोनों पैर बांध रखे हैं पीछे वाले ताकि ये बदमाशी ना करे। और देखो ये घोड़े का जो चारा है ना उसकी व्यवस्था की हुई है इन लोगों ने। कहाँ से आए हो चाचा? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से कितने घोड़े लेके आए हो? चाय पानी पी लो, हम कह रहे कि नहीं नहीं चाय पी के आए, पर भाई लोग कह रहे कि नहीं यार मुंह तो मीठा करके जाओ। चलो अब भाई के तंबू में जाने का मौका मिल रहा है। अंदर देखो भाई इनकी लाइफ स्टाइल दिखाता हूँ थोड़ी सी, किस तरीके से दो तीन दिन सर्वाइव करते हैं। ये देखो भाई ये इनका बैठने का है, और ये हुक्का यहाँ का देसी हुक्का। और भाई देखो टेंट के अंदर का सीन है ना वो कुछ इस प्रकार का है। देखो भाई लोग यू कह रहे हैं कि यार थोड़ा सा नाश्ता करके जाओ, ये स्पेशल है क्या आपके वहाँ की? आप कहाँ के हो? मैं भी रायसी नगर से। अच्छा, अरे वाह भाई देखो पूरा सामान रखा हुआ है, सब्जी आटा बिस्तर, देखो चारों साइड से गैस चूल्हे स्टोव। एक्चुअल में क्या 4-5-7 दिन चलता है ना ये मेला, तो ये अपनी व्यवस्था ऑलरेडी सब कुछ पहले से सेट करके लेके आते हैं। सही यहाँ बनाया हुआ है। और ये हुक्का देखो, हुक्का मेरे को अलग लगा यार थोड़ा सा ये वाला यहाँ से, हालांकि ये गोल गोल घूमता है ये देखो मस्त आराम से। आपने ज्यादा ही ले आए? नहीं कोई बात, आप लोग लो पहले एक लो आप। नहीं नहीं, अरे लो 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 लो। सबसे महंगा घोड़ा आपने यहाँ कितने का है आपके पास जो है अभी कलेक्शन में? इसका भाई बेचा है 31 लाख रुपए का। 31 लाख? ओवरऑल बड़ा मजा आने वाला है पुष्कर का जो है फेयर, उसको बड़ा इंजॉय करने वाला है। और हम तो देखो भाई लोगों के साथ में ये मजे कर रहे हैं अभी सुबह सुबह। भाई साहब ये लोग बता रहे कि ये जो हुक्का है ना ये है पाकिस्तान का? ये पाकिस्तान की है। अच्छा नीचे का है जो? ये चीज ये यहाँ नहीं मिलेगी, ये पाकिस्तान से मिलेगी। भाई मैं वही कह रहा था ना व्लॉग में अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने कि ये चीजें देखो इधर वाली जो नाली है ना इंटरेस्टिंग चीज है। ये नहीं इंडिया में, अपने इंडिया में ना मिलेगी। पाकिस्तान का है ये हुक्का भाई साहब। वो नमकीन नमकीन नहीं है, नीचे दाने भी है, देखो मीठा भी दिया है इन लोगों ने हमें। ये देखो दाने नीचे शाम में बहुत रखनी पड़ती है, इसको पानी में रखना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि ये सूख जाता है ना इसलिए जर्नी लगेगी, इसलिए इसको पानी में रखना ही पड़ता है। घर पे ही हम बाल्टी में पानी लेके इसको इतने तक डुबो के रखते हैं। कितना पुराना होगा ये? 10-12 साल से पुराना। अच्छा हाँ, ये बड़ा अच्छा लगा यहाँ मिलके। जो लोग थे ना बहुत ही अच्छे थे, पूरा जो मेला है ना वो बचा हुआ है तो पूरा मेला इंजॉय करने वाले हैं। भाई इस तरीके के जो तंबू लगे हुए हैं ना ये जो पशुओं से रिलेटेड कोई बीमारी या फिर इनको दवाई या फिर किसी भी तरीके की, तो ये चीज़ें हैं ना जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है। और पानी वानी की भी, ये देखो पीने का पानी की भी व्यवस्था की हुई है मेले में। और छोटा सा जो है पशुओं के लिए क्लिनिक भी खोला हुआ है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखो इतना बड़ा जब मेला है तो उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है चीज़, जानवरों को भी ज़रूरत पड़ती है। और ये है भाई पानी के लिए, जानवरों के जो पानी है ना उसके लिए ये भरा हुआ है पूरा का पूरा। और यहाँ पे भी है देखो तंबू, इससे पीछे भी तंबू है, वहाँ पे भी तंबू ही तंबू है। और देखो भाई फॉरेनर तो आपको यूं ही मिल जाएंगे देखने को। ये पूरा देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा, वहाँ तक ऊंचे, वहाँ तक जो टीले विले दिखेंगे ना वहाँ चारों साइड तक ऊँटी ऊँट है। तो ये लोग कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ से आए हो? ऊँट लेके आए हो? बेच दिए? नहीं बेचे अभी? नहीं बेचा। अच्छा ये भाई लोग नागौर से आए हैं देखो। और ये देखो भाई रात भर यही रुके हैं ये मस्त आराम से। भाई अलग ही भाई भाई इस फेस्टिवल की, राजस्थान के 2-3 फेस्टिवल मैंने देखे हुए हैं बट ये वाला जो फेस्टिवल है ना इसकी तो अलग ही भाई। मैं सीरियसली बड़े मजे आने वाले हैं पूरे के पूरे एकदम आराम से। बाबा से पूछता हूँ मैं, बाबा कहाँ से आए हो? जिला बताओ। नागौर। नागौर से आए हो? कितने ऊँट लेके आए हो? 40। भाई यहाँ के बच्चे है ना बड़े ही एक्सपर्ट है, जैसे कोई दिखाना इनको या तो कोई फॉरनर दिखा या फिर उस तरीके का कोई आदमी दिखा दम पैसे मांगते हैं। ओके भाई देखो भाई भाई बड़े अच्छे लोग भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं, हर तरीके के लोग मिलेंगे आपको देखने को। देखो अरे हमारे पास उनके पास है पैसे, उनसे मांगो पैसे। भगो भगो भगो। देखो भाई अंग्रेज लोगों से सच बता रहा, राजस्थान के जो लोग हैं ना खूब पैसे मारते हैं भाई, ये चीज़ तो है जरूर। देखो ये लोग पानी वानी लेने जा रहे हैं ना, ये भी करता
यहाँ देखो भाई, वो बच्चा है। हाँ हाँ, बच्चे को आवाज देके बुलाते हैं। पैसे मांगेगा, वो बच्चा नहीं है। वो ध्यान रखना, यहाँ सर बिना पैसों के कुछ भी नहीं होता बाबा। देखो भाई, एक फैमिली यहाँ पे है। इनसे मिलते हैं, दादी से। क्या नाम है आपका? सीमा देवी। सीमा देवी कहाँ के हो भाई? खांसी हो गई इनको तो कैमरे के आगे आते ही। रुक जा, करो ना काम। और ये इनका एक छोटा सा परिवार है। ये सब आपके बच्चे लोग हैं? सारे मेरे बू बेटे, मेरे जवाई भाई, सब मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऊँट लेके आए हो तुम लोग? ऊँट लेके आए। ऊँट लेके आए हो ना? कितने समय रुक रहे हो यहाँ? 10 दिन 15 दिन हो गया हमारे को बेटी। अच्छा, कितने ऊँट हैं आपके पास? 6 थे। पहले खांस लो एक बार आराम से। 6 थे, 4 रह गए। अच्छा, बेच दिए। हाँ भाई, ये देखो तुम। हाय, नमस्ते। नमस्ते, अरे वाह। हाँ, सास खोड़िया। गुड गुड भाई, सीख गए लोग हिंदी हैं। भाई फुल एक्सपर्ट मिलेंगे यहाँ तुम्हें। कोई नमस्ते करेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। और ये देखो भाई, सौदा हो रहा है अभी ऊँटों का। मेरे को लगता है कि ये जो व्लॉग है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट इसकी जो लेंथ है ना, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं आई थिंक इसको अब जो देख रहे होगे, या तो फर्स्ट पार्ट में एंडिंग का पॉइंट होगा, या फिर सेकंड पार्ट का स्टार्टिंग का पॉइंट होगा। ओवरऑल आज मैं पूरा पुष्कर का जो मेला है उसको बहुत डीपली अंदर से कवर करने वाला हूँ, और आपको उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जो बहुत ही खास और बहुत रियर है। राम राम। राम राम सर। कहाँ का सो? निमाई तहसील। अच्छा,